नमस्कार दोस्तों, कलावती रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली फूलगोभी। भेज वाले भी चाइनीज रेसिपी का लुत्फ उठा सकते हैं। फूलगोभी चिली बनाने के लिए मैंने ये फूलगोभी को नमक और हल्दी देके उबाल लिया है। 4 मिनट मैंने ब्लांच किया और निकाल दिया और फिर ठंडे पानी से धो दिया कि आगे पके नहीं। ये मैंने प्याज को ऐसे स्लाइसेस में काट लिए हैं और ये एक शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से लंबे लंबे साइज में काट लिए हैं। ये ग्रीन चिली बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, चीनी मैंने लिया है 1/2 चम्मच, कश्मीरी रेड चिली 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच गोल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, नमक, मैदा, रेड चिली सॉस, कॉर्नफ्लोर, टमाटो केचप, विनेगर लिया है, सोया सॉस। सबसे पहले मैं बैटर बनाऊंगी फूलगोभी, उसमें डुबो के तलूंगी। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए इस चम्मच से और इसी चम्मच से 2 चम्मच मैं मैदा लूंगी, जरूरत पड़ेगा तो फिर लूंगी। ये मैं नमक स्वाद अनुसार डाल रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, सोया सॉस, मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी, 2 से 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ। गाढ़ा बैटर होना चाहिए। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, तीखा नहीं है, कलर अच्छा आएगा इसके लिए मैंने डाला। लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। बैटर को मैंने 10 मिनट मिक्स करके रख दिया था। अब मैं इसमें ब्लांच किया हुआ मैं फूलगोभी डालूंगी, इसमें डालूंगी हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। ब्लांच किया हुआ है, ज़्यादा मिक्स करेंगे तेज़ी से तो ये टूट सकता है। ब्लांच करने से क्या होता है, फूलगोभी का जो स्मेल होता है वो भी निकल जाता है। उसमें कीटनाशक दवा दिया जाता है, वो सब ब्लांच करने से आपका उसका रिएक्शन ख़त्म हो जाता है और आपका थोड़ा बॉयल भी हो जाता है। देखिए कितना अच्छा चारों तरफ मैंने कोट कर दिया फूलगोभी को अच्छे से इस बैटर में। ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा बैटर बनाइए, ऐसा बनाइए कि इसमें कोट हो जाए। ज़्यादा पतला करने से फूलगोभी पे आपका चिपकेगा नहीं, ऐसे कोट नहीं होगा। और ज़्यादा घना कर दीजिएगा तो वो कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा फूलगोभी पे। इसी टाइप का बैटर होना चाहिए। अब मैं एक एक करके फ्राई करूँगी। तेल को मैंने पहले से बैठा दिया था गर्म होने के लिए कढ़ाई में। अब एक एक करके मैं तलूँगी। इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं। एक तक ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, हल्का 2-3 बेसिस में इसको तलिएगा, नहीं तो तेल आपका ठंडा हो जाएगा। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा, ये हल्का ब्राउन हो गया। अब मैं इसे निकाल दूँगा, हल्का गोल्डन हो गया कलर का। हमेशा टिश्यू पेपर पर निकाले, जो एक्स्ट्रा तेल होगा इसमें पेपर में एब्जॉर्ब वो सोख लेगा। ये देखिए मैंने फूल गोभी को तल के निकाल लिया है। देखा मैं इसमें लहसुन पहले डालूँगी, इसमें हरी मिर्च डालेंगे, अदरक डालेंगे। इसको सिम पे रखिएगा, नहीं तो लहसुन मिर्चा और अदरक जल जाएगा। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी काटा हुआ, स्लाइसेस में बड़े बड़े टुकड़ों में काटा हुआ है। शिमला मिर्च को भी डाल दूँगी, हाई फ्लेम पर पकाना है। ये थोड़ा सा सौते हो गया प्याज,
अब मैं इसमें सॉसेज डालूंगी सर। ये टमाटर केचप है 3 चम्मच डालू, टमाटर सॉस मैं डाल दूँ और मैं रेड चिली सॉस डाल दूँ 2 चम्मच। आधा चम्मच सोया सॉस डाल दूँ, मैं इसमें नमक डालूंगी, इसे 1/2 चम्मच नमक डालूं, मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और प्याज चॉप कर, मैं थोड़ा सा और पानी डालूं। अब मैं इसे ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1/4 चम्मच डालूं, ये गोल मिर्च पाउडर, चीनी 1 चम्मच मैंने चीनी डाला, इसमें 1/2 चम्मच इसे मैंने विनेगर डाला, ये कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच है इस चम्मच से। अब मैं इसे पानी में घोल कर डालूंगी, अच्छे से इसको मिक्स करके डालना है, ग्रेवी ठीक हो जाए। अब मैं इसमें तला हुआ फूलगोभी डाल रही हूँ, इसे ड्राई बनाना है। मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके 2 मिनट तक डाल दूँ, अच्छे से इसमें ये हो जाए, सॉसेज सब मिक्स हो जाए। वो भी जो वेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा ये डिश है। लाल शिमला मिर्च भी डालेंगे, येलो शिमला मिर्च डालेंगे तो और भी कलरफुल और भी अच्छा दिखेगा। अब मैं इसे सर्व करूँगी, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ, अब मैं इसे सर्व करूँगी। देखिए कितना अच्छा सॉसेज सब लिपट गया है, इतना अच्छा दिख रहा कलरफुल। कोई बता सकता है कि ये वेज है? इसे देख कर कोई नहीं बोल सकता कि ये वेज है, कितना सुंदर। जो नॉन वेज खाते हैं वो बता पा रहे हैं कि ये वेज है। ये लीजिए बनकर तैयार है चिली गोभी। अब मैं इसे रोस्टेड सफ़ेद तिल से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। दोस्तों मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे आप स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं और आप इसे डिनर या लंच में भी बनाकर इसे रुमाली रोटी, नान, लच्छा पराठा या पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप इसे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको पहले दिखेगा। बेल आइकन नहीं दबाने से मेरी नई रेसिपी आप तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं।